नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानियन एजुकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो हम बात करेंगे एलडीसी सैलरी के बारे में। जैसे कि मैंने पहले सेकंड ग्रेड सैलरी और थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी बताई थी, तो उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए थे कि सर एलडीसी की सैलरी भी बताएं। तो मैं इस वीडियो में आपको एलडीसी की सैलरी बताऊंगा, जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज में आप एलडीसी को बाबू कहते हैं, तो बाबू की सैलरी आपको इस वीडियो में पूरी पूरी बताएंगे डिटेल से। इसमें आपको 2 साल तक जो कि प्रोबेशन पीरियड चलता है उसमें आपकी कितनी सैलरी मिलती है, वो 2 साल बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उसके बारे में विस्तृत या आपको सैलरी बताई जाएगी। एक एक डिटेल आपको विस्तार से दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज हो सके सैलरी के बारे में और किस प्रकार सैलरी बनती है इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है और लेटेस्ट जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके एलडीसी की वैकेंसी आई थी उसमें आपको वेतन के रूप में क्या लिखा हुआ था, वेतन पर जो आपकी एक टिप्पणी लिखी हुई थी वो क्या लिखी हुई थी। ये एलडीसी की वैकेंसी का प्रारूप है, जिसमें वेतनमान यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक, यहाँ पर पे मैट्रिक लेवल 5 दिया हुआ है, अर्थात लेवल 5 के अनुसार आपकी जो सैलरी है वो बनेगी। तो हम देख लेते हैं लेवल 5 में आपकी सैलरी किस प्रकार है। सबसे पहले आपके 2 साल तक आपकी सैलरी कितनी बनेगी वो देख लेते हैं, अर्थात प्रोबेशन पीरियड में आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक पूरा अमाउंट का दिया हुआ है कि लेवल 1 से लेकर आपके जितने भी लेवल है उसमें आपकी क्या सैलरी रही है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपको अगर 7वें वेतन आयोग है उससे पहले आपको कितनी सैलरी मिलती थी और अब आपको कितनी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं लेवल 5 यहाँ है आपके, ये लेवल 5 लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेवल 5 वाले कॉलम में आप देखते हैं तो आपको पहले जो सैलरी मिलती थी 2 साल तक, अर्थात 7वें वेतन आयोग से पहले, वो 8,910 रुपये थी और इसमें किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं होती थी। लेकिन अब आपको जो सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सैलरी आपकी 14,600 रुपये। लेकिन 14,600 रुपये में से आपके यहाँ पर जो 10% NPS कटेगी, अर्थात 10 रुपये यहाँ पर आपको 10% आपको NPS के रूप में यहाँ पर काट लिए जाए। पहले अंडर प्रोबेशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं होती, लेकिन 7वें वेतन आयोग के बाद अब आपके जो सैलरी है उसमें 10% की कटौती होगी, अर्थात आपके 2 साल तक आपको जो टोटल सैलरी है वो आपको यहाँ पर जो इन हैंड आपके जो खाते में आएगी वो बैलेंस है 13,140 रुपये। यह आपके अंडर प्रोबेशन अर्थात 2 साल तक ये फिक्स चलेगी, इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी ना ही किसी प्रकार की घटत होगी, 13,140 रुपये, क्योंकि यहाँ पर NPS आपके 1,460 रुपये काट लिए जाते हैं, जिससे बची हुई सैलरी जो आपके खाते में आती है। ये तो थी आपके 2 साल तक की सैलरी। अब 2 साल के बाद आपकी कितनी सैलरी बनती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 साल के बाद आपको कितने वेतन पर फिक्स किया जाएगा, अर्थात उसके बाद आपका बेसिक वेतन क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, इसमें आपको लेवल 5 पर हम ले चलते हैं। लेवल 5 में आपको कहाँ फिक्स किया जाएगा वो डिटेल देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लेवल 5 यहाँ लिखा हुआ है और इसके पहले कॉलम में 20,800 रुपये लिखे गए, अर्थात आपको 2 साल बाद फिक्स किया जाएगा इस वेतन पर, अर्थात 20,800 पर आपको फिक्स कर दिया जाए। ये आपकी बेसिक सैलरी होगी 20,800 रुपये, जो कि आपको 2 साल बाद शुरू होगी। ये 2 साल बाद में आप लेवल 5 की फिक्स सैलरी है, इसमें कुछ आपके अलाउंस जुड़ेंगे और कुछ और कटौती भी होगी, जो हम देख लेते हैं यहाँ विस्तार से, और उसके बाद आपकी जो सैलरी इन हैंड क्या आएगी वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद आपकी सैलरी क्या है। 2 साल के बाद आपको फिक्स किया गया जाएगा 20,800 पर, और इसमें आपके 2 अलाउंस जो कि 100% जुड़ेंगे वो है DA और HR है। DA और HR है, 2 आपके यहाँ पर अलाउंस जुड़ेंगे। अब ये अलाउंस क्या रहेंगे, अगर आपका अभी 2 साल फिक्स होने 2 साल पूरे होने वाले हैं तो आपका अभी का जो DA वो जुड़ेगा, अभी का जो DA वो है आपके 12%, और इसमें 5% की वृद्धि जल्द होने वाली है और ये 17% होने वाला है। और अगर आप अभी ज्वाइनिंग ले रहे हैं और 2 साल बाद आपके फिक्स होंगे तो ये DA वो बढ़कर और बढ़ जाएगा, जैसे अभी थोड़े दिनों बाद बढ़ के ये
12 से होकर 17 हो जाएगा। वैसे ही ये बढ़ता बढ़ता आपका अगर 2 साल बाद अगर जाएंगे तो आपको 30 या 35 तक ये डीए मिलेगा जब आपके 2 साल कंप्लीट होंगे, तो उसके अनुसार ये जुड़ेंगे। लेकिन अभी का आप देखते हैं तो आपके अभी का डीए वो 12% है, अर्थात डीए जो 12% है जो कि किस सैलरी पर निकलेगा, फिक्स पर निकलेगा। फिक्स कितनी आपके 20,800 पर, इसका अगर 12% निकालें तो आपके यहाँ पर रुपए आते हैं वो 2,496 रुपये आते हैं। यह तो आपके डीए जो कि महंगाई भत्ता है वो आपको मिल गया। अब आपके हाउस अलाउंस अर्थात आपके घर का किराया वो भी कितना मिलता है, अगर आप छोटी सिटी में निवास करते हैं और उसमें आपकी जॉब लगी हुई है तो आपको 8% मिलता है, और अगर आपकी बड़ी सिटी में आपको जॉब मिली हुई है तो आपको 16% मिलता है। बड़ी सिटियों में यहाँ पर वाई सिटी कहते हैं, वाई ग्रुप सिटी, जो कि 5 सिटियाँ लगभग जिसमें अजमेर, जयपुर, बीकानेर, कोटा ऐसी सिटियाँ आई हुई है, उसमें आप अगर निवास करते हैं तो आपको 16% मिलेगा, और अगर आप अन्य किसी राजस्थान में कहीं और जगह नौकरी करते हैं तो आपको केवल 8% मिलेगा। और ये 8% और 16% किस पर निकलेगा, फिक्स वेतन पर, जो कि क्या है आपके 20,800 पर। और इसका हम निकालते हैं तो आपके 8% निकालते हैं तो 1,664 रुपये, और 16% निकालते हैं तो आपको 3,328 रुपये मिलते हैं। अब इसमें कटौती क्या होगी, कटौती वही आपके NPS कटौती जो कि 10% होती है। अब 10% आपके होगी किस पे, फिर जो फिक्स प्लस डीए दोनों पे, दोनों की ऐड होने के बाद जो काउंट होगा उस पे आपके ये से फिक्स निकलेगी। जैसे आपके 20,800 प्लस डीए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,496 में, तो ये जोड़ के हम बनाएंगे उसकी 10% सैलरी का ये NPS कटौती होगी, फिक्स पर नहीं होगी। डीए प्लस फिक्स दोनों का जो होगा वो 10% NPS होगा, साथ ही आपके 500 रुपये यहाँ पर SI कटौती होगी, जो कि आपके ग्रुप के हिसाब से अगर 22,000 से कम सैलरी बन रही है तो उसके हिसाब से आपको 500 रुपये SI कटौती होती है मिनिमम, आप इसको ज़्यादा भी कटौती को कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि LDC की जो टोटल सैलरी होगी वो आपके यहाँ पर जो इन हैंड आएगी वो आपके 22,130 रुपये, क्योंकि आपकी जो टोटल जो अलाउंस जुड़ गए, जैसे आपके अलाउंस DA और HR जुड़ने के बाद जो टोटल सैलरी होती है वो 24,960 रुपये, इसमें से आपके कटौतियाँ हो जाती है SI और NPS की 2,830 रुपये, और इन हैंड आते हैं आपके 22,130, और ग्रो सैलरी आपके बनती है 24,930। अगर आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो है ये 22,130, और अगर आप बड़ी सिटियों में निवास करते हैं तो आपके जो इन हैंड आएंगे वो इसमें HRA डबल है, इस कारण थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, और ये होगी 23,794 रुपये, अर्थात इतने रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। और ग्रोथ सैलरी आपके यहाँ पर रहेगी वो है आपके यहाँ पर देख सकते हैं 26,694 रुपये। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन सैलरियों में समय समय पर वृद्धि होती रहेगी, जैसे जैसे आपकी सैलरी समय गुजरेगा वैसे वैसे इनमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे DA बढ़ता रहता है DA भी बढ़ेगा, और DA के साथ साथ आपको ये जो बेसिक सैलरी है जो कि आपके 20,800 है इसमें भी वृद्धि होती रहेगी, और इससे वृद्धि होने से आपकी जो टोटल सैलरी है वो भी समय समय पर बढ़ती रहेगी। और इसका भी हम एक वीडियो बना के आपको बता देंगे कि किस प्रकार ये सैलरी बढ़ती है, उसका भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो जल्दी बता देंगे। साथ ही आप अन्य किसी वैकेंसी का या अन्य किसी जॉब का आप सैलरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर इसकी सैलरी जाननी है, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं कि कौन सी वे जो जॉब है उसके आप सैलरी जानना चाहते हैं, और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर जानकारी दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इसी प्रकार नॉलेज भरी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।